बच्चों आप सभी का डाउट नेट पर। बेटा जी यहाँ पर बात कर रहे हैं वंशगति और विविधता के सिद्धांत की। चैप्टर मैंने आपको बोला था थोड़ा सा बड़ा है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड में भी आती है और नीट के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीरियसली सुनिएगा आज जो पढ़ने वाले हैं बेटा जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये पढ़ेंगे, उत्परिवर्तन स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे और फिर मैं लेकर आऊंगा क्विज। ठीक है चलें आगे। आइए बेटा जी बात कर रहे हैं किसकी, इनकी, किनकी, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की। ठीक है अब देखिए मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मधुमक्खियां जो होती हैं वो कितनी, उनकी कितनी जातियां मिलती हैं, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। आइए ध्यान से सुनना। सबसे पहले मधुमक्खी की हम जातियों की, देखो बिंदु दर बिंदु चीजें सुनना और याद रखना। ठीक है ध्यान से सुनना बेटा जी, मधुमक्खी की जातियों की हम बात कर रहे हैं। आप में से कई बोलेंगे सर रानी श्रमिक ड्रोन, ना 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 ना, ना वो जाति नहीं है, हम मधुमक्खियों की जाति की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, मुख्य रूप से चार प्रकार की जातियां होती हैं, एपिस इंडिका जो इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है, एपिस फ्लोरिया जिसे हम छोटी मधुमक्खी बोलते हैं, छोटी होती है, एपिस डोरसाटा और एपिस मेलिफेरा। ठीक है तो ये बेटा जी आपकी चार प्रकार की जातियां हैं किसकी, मधुमक्खियों की, जिसमें से ध्यान से सुनना है ये हमारी कहां पर मिलती है, इंडिया में सबसे ज्यादा ये होती है छोटी। आपने सुना होगा कि शहद जो होता है बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही लाभदायक होता है छोटी मक्खियों का, छोटी मधुमक्खियों का, कौन सी होती है फ्लोरिया। ठीक है एपिस मेलिफेरा सबसे ज्यादा मिलने वाली, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा मिलने वाली इस पृथ्वी पर मधुमक्खी जो होती है वो होती है मेलिफेरा और सबसे आखिरी एपिस डोरसाटा सबसे खतरनाक, याद रखना ये वाली होती है, बड़ी होती है और ये चट्टानों पर मिलती है, इसे हम रॉक हनी बी भी बोलते हैं, रॉक है ना, चट्टानों पर मिलने वाली मिलती है, ये बड़ी होती है खतरनाक होती है। तो कुल मिलाकर बेटा जी ये चार प्रकार की आपकी जातियां हैं किसकी, मधुमक्खियों की। सबसे पहला बिंदु हम यहां पर लिंग निर्धारण तो देखेंगे ही देखेंगे, उससे पहले सबसे पहले हमें बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना था। हमने देखा भाई मधुमक्खियों की अगर हम जातियों की बात करें, किसकी, मधुमक्खी की जातियों की बात करें तो भैया चार प्रकार की मुख्य रूप से जातियां मिलती हैं, एपिस इनका वंश है, चार प्रकार की इनकी जातियां हैं, सिंपल। चलें आगे, अब आगे चलते हैं दूसरा बिंदु। अब बेटा मधुमक्खी का अध्ययन जो होता है, एक चीज यहां पर लिख देता हूं, मधुमक्खियों का अध्ययन जो होता है, किसका, मधुमक्खियों का अध्ययन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, मधुमक्खियों का अध्ययन, उनका पालन, उनका पोषण, पालन पोषण अध्ययन, ये सारी चीजें एक विज्ञान के अंतर्गत आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपी कल्चर, जिसके अंतर्गत हम उनको पालते हैं, पोसते हैं, पोषण देते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, उनसे उत्पाद मिल सके, जैसे शहद मिल सके, है ना। और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे हमें क्या मिलती है, मोम मिलती है। ठीक है तो हमें मधुमक्खियों से बहुत सारे फायदे, हमें उससे शहद मिलता है, हमें उससे मोम मिलती है, यहां तक कि हम उसके डंक का इस्तेमाल भी करते हैं दवाई बनाने में। ठीक है तो कुल मिलाकर ये विज्ञान क्या कहला रहा है, जिसमें हम मधुमक्खियों का अध्ययन भी कर रहे हैं, पालन पोषण भी कर रहे हैं, उसके उत्पादों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ये क्या कहला रहा है, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन। ठीक है याद रखना, सिंपल सा बिंदु था। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि एक मधुमक्खी का एक छत्ता जो होता है, ठीक है, उस मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां कैसे कैसे मिलती हैं, तो मैं बताने वाला हूं मधुमक्खी का परिवार, ध्यान से सुनना, मधुमक्खी के परिवार के बारे में हम देखने वाले हैं।
यूं समझ लीजिए मधुमक्खी का छत्ता जो है उसका एक घर है। हाँ वास्तव में उसी का घर है ना। हाँ? अब उस घर में हम परिवार देखेंगे। जैसे हमारे परिवार में क्या क्या है, एक नर है एक मादा है, यही होता है। फिर उनके बच्चे होते हैं, दादा दादी नाना नानी, उनके पोते पोती नाते नाती, है ना, मम्मी पापा उनके बच्चे, यही होते हैं ना, इसी तरीके से होता है ना। अब हम मधुमक्खी का अगर परिवार देखते हैं तो इस परिवार में, एक छत्ते के अंदर जो परिवार है उस परिवार में तीन सदस्य मिलते हैं। क्या बोला बेटा जी मैंने, तीन सदस्य मिलते हैं। कितने सदस्य, तीन सदस्य मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, सबसे पहले रानी मक्खी, क्वीन बोलते हैं हम इसको बेटा जी, क्या बोलते हैं, क्वीन। ठीक है, तो रानी मक्खी सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ड्रोन, और फिर होते हैं श्रमिक। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्कर। ड्रोन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रोन ही बोलते हैं। कुल मिलाकर मैंने आपको क्या बताया, तीन सदस्य होते हैं मधुमक्खी के परिवार में, कौन, रानी मक्खी, ड्रोन और श्रमिक। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर तीनों में अंतर क्या क्या है, यही पूछेंगे ना। आइए देखिएगा ध्यान से सुनो बेटा, रानी मक्खी ड्रोन और श्रमिक, मैं अगर अंतर की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा क्या अंतर है तीनों में। तू बात सही कह रहा हो, क्यों क्लब्स के टाइम देखिएगा, सबसे पहला अंतर तीनों में, सबसे पहले रानी मक्खी की बात करें तो ये बेटा एक मादा है, 10 रुपया के होंगे, 10-15 रुपया। ड्रोन एक नर है और श्रमिक भी एक मादा है। ध्यान से सुनना, श्रमिक भी मादा है, ड्रोन नर है और रानी मक्खी भी मादा है। अब इन तीनों में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, सबसे बड़ा आकार किसका होता है बेटा जी, याद रखना रानी मक्खी का। आपने कई बार देखी होंगी मक्खियां आपके घर में भी, जो घरेलू मक्खी जो होती है उनको देखा होगा आपने, है ना। कई बार मक्खियां मोटी मोटी सी दिखाई देती है, वो क्या होती है, रानी मक्खी होती है। ठीक है, तो बेटा जी हमने सिंपल सा अंतर देखा यहां पर क्या, कि भैया कौन नर है, कौन मादा और कौन सबसे बड़ी है। अब छोटों की बात करें तो सबसे छोटी ये होती है, और ये सबसे छोटी लिख देता हूं, सबसे छोटे आकार में। अब ये सबसे बड़े हैं, ये सबसे छोटे हैं, तो मध्यम आकार के ये हो जाएंगे। बताएं, ये सिंपल से दो अंतर समझ में आ गए हैं, कंफ्यूजन तो नहीं था, चलें आगे। चल अब इनका कार्य क्या होता है, कार्य की बात करते हैं सीधा, इनका कार्य क्या होता है ध्यान से सुनना बेटा जी। ये जो मक्खी होती है रानी मक्खी, ये जनन करती है यानी अंडे देती है। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं एक बार। देखो ये रानी मक्खी और ये ड्रोन, ये एक मादा है ये नर है, ये भी जनन कर रही है और ये भी जनन कर रहे हैं। ये जनन नहीं करती, ये जनन नहीं करती, यानी जनन कौन कर रहा है, ये और ये। ये मादा है ये नर है, तो जनन किसके बीच में होएगा, संभोग किसके बीच में होएगा, इन दोनों के बीच में। ये अंडे देगी और ये शुक्राणु पैदा करेगा, कौन बेटा जी, ड्रोन। ठीक है, इसका कार्य अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, चौथा अंतर ये होते हैं द्विगुणित। कैसी होती है, द्विगुणित, यानी इनके शरीर की कोशिकाएं, इनके शरीर की कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। ठीक है, जबकि ड्रोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं।
और श्रमिक जो होती है ये भी द्विगुणित होती है, है ना। अब आपको होएगा कंफ्यूजन, मुझे पता है सर द्विगुणित अगुणित, अभी बताऊंगा, तसल्ली रखना, एक एक चीज आएगी। हाँ जी, पहले एक बार ये तो समझ में आ गया कि ये द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है, लेकिन ये अगुणित है, याद रखना। ये जनन करती है, ये भी जनन करेंगे, ये जनन नहीं करते, तो इनका कार्य क्या होता है, याद रखना बेटा जी। आपने कई बार, आप में से कई होंगे शैतान होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, पत्थर उठाया होगा और दे मारा होगा, किसमें, मधुमक्खी के छत्ते में दिया होगा, पक्का होगा आप में से कोई जरूर, स्पेशली लड़के होते हैं, है ना, खुराफाती दिमाग के होगा कोई ना कोई, पक्का होगा। मैंने भी दिया था पक्का, है ना, जब मैं छोटा था, और जब मैंने फेंका तो उनमें से उड़कर, मेरे को पता था काटेंगे, मैं भागकर जा रहा था, इतनी देर में तो एक ने टंक मार दिया, ठीक है। तो यही करनी और यही भरनी, तुमने जो मैंने किया उसका भुगतान मुझे करना पड़ा। तो कहने वाली बात जो थी, आज के बाद ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप किसी के परिवार को आप तोड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उसके परिवार को बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे हैं आप, कृपया करके ये बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। हम साइंस पढ़ने के साथ साथ कुछ मोरल चीजें भी हमें पढ़नी जरूरी है, ठीक है। तो बेटा जी, आज के बाद अगर ऐसा कुछ करें तो मेरी इस बात को याद रखना कि अगर सोचिए आपके परिवार को कोई आघात पहुंचे कैसा लगेगा, बस वैसा ही मैंने किया, उसकी भरनी मुझे करनी पड़ी थी, ठीक है। तो आप कृपया करके ऐसा मत करिएगा। अब जो बात आ रही है वो ये कि वो जब मैंने पत्थर मारा था तो जो डंक मुझे मारा था वो किसने मारा था, श्रमिक ने, यानी वर्कर ने, ठीक है। तो वर्कर का कार्य क्या हो गया, अपने छत्ते की सुरक्षा करना, छत्ते की सुरक्षा करना पहला कार्य, ठीक है। दूसरा, जानते हैं शहद कौन उत्पन्न करता है, या मैं बोलूंगा भोजन कौन लेकर आता है, या पुष्पों के ऊपर आपने देखा होगा मधुमक्खियां मंडराती हैं, है ना, भोजन लेकर आती हैं, तो भोजन लाने का कार्य है, भोजन लाने का कार्य कौन करती हैं, श्रमिक। अब नाम में देखिए ना, क्या है, श्रमिक है, यानी वर्कर है, मजदूर है, क्या कर रही है, भोजन लेकर आ रही है, छत्ते में डाल रही है, इनको और इनको क्या मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, ठीक है। तो इनको पोषण कौन दे रहा है, श्रमिक दे रही है, छत्ते की सुरक्षा भी कर रही है, ठीक है, याद रखना। तो ये मुख्य रूप से कार्य है क्या, छत्ते की सुरक्षा करना, भोजन लेकर आना, शहद उत्पन्न करने में भी कौन सहायता करेगा, यही श्रमिक करेंगे, क्योंकि ये जो भोजन लाती है वो क्या लाती है, मुख्य रूप से मकरंद, याद करिए मैंने आपको बताया हुआ है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो हमारा अध्याय था उसमें मैंने आपको बताया था, मधुमक्खियां जो होती है वो क्या लेकर आती है, मकरंद। मकरंद क्या थी, ग्रंथि थी जो पुष्प में मिल रही थी, जो भोजन होता है ना, उस मकरंद को लाती है या परागकण को लाती है, छत्ते में दे देती है। अब छत्ते में वो जो परागकण और जो मकरंद है वो बदलते हैं किसमें, शहद में, ठीक है। तो इतनी सी चीज याद रखना, अभी सिंपल सा इतना सा अंतर। अब हम सीधा अपने बिंदु पर आते हैं, क्या ये नर है, ये मादा है, ये मादा है कैसे तय हुआ, ये अगुणित है द्विगुणित, आइए समझते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, देखिए ध्यान से सुनना। अब हम लिंग निर्धारण करने वाले हैं, है ना। देखो ये मान लो एक रानी मक्खी का शरीर है, हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ये एक रानी मक्खी है, ठीक है। और बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया कि रानी मक्खी जो होती है, उस रानी मक्खी के शरीर की कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। चलो जी ये मान लेते हैं इसके शरीर की कोशिकाएं जो कैसी हैं, द्विगुणित है, 2N द्विगुणित, ठीक है। सिंपल सा था, समझ में आ रहा है। चल अब हमने बोला कि रानी मक्खी जो है वो द्विगुणित है, ये हमने दिखाया, और ये किससे संबंधित है, जनन से। अब जनन करेगी तो इसमें कहीं ना कहीं लैंगिक अंग मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। चल हमने बोला इसके शरीर का इतना सा भाग जो था वो एक लैंगिक अंग है, ठीक है। मादा है तो हम मान के चल लेते, क्या होगा, अंडाशय मान लेते हैं, क्या है, अंडाशय, ठीक है। अब ये इस
अंडाशय में जो कोशिकाएं हैं, ध्यान से सुनना, अंडाशय में जो कोशिकाएं होंगी कैसी होंगी? आप बोलेंगे सर द्विगुणित, क्योंकि शरीर कैसा है? द्विगुणित है। मैं बोलूंगा ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है। चलो जी, अंडाशय है, लैंगिक अंग है, जिसकी कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। ठीक है, अब याद करिए, जैसे हमने मानव जनन में पढ़ा था, जनन करने के लिए युग्मक उत्पन्न करने पड़ते हैं, और युग्मक एक द्विगुणित कोशिका से, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। अब जरा सोचिए, लैंगिक अंग ये था और इसमें कोशिका द्विगुणित है, लेकिन इन कोशिकाओं से युग्मक उत्पन्न करने कैसे? अगुणित। तो क्या करना पड़ेगा, सोचिए कौन सा विभाजन करना पड़ेगा? 11th क्लास का बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अर्धसूत्री के समसूत्री विभाजन, बहुत सिंपल प्रश्न है। आप बोलेंगे सीधा क्या सर? अर्धसूत्री। क्यों? समसूत्री का मतलब गुणसूत्रों की संख्या समान, अर्धसूत्री का मतलब आधी। यहां पर मान लो अगर 46 हैं, तो यहां पर कैसे चाहिए थे हमें? 23 चाहिए थे, तो आधे करने पड़ेंगे ना, तो कौन सा विभाजन करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो बेटा जी हमने बोला एक रानी मक्खी जो कैसी थी? द्विगुणित थी, पूरे शरीर की कोशिकाएं कैसी थी? आप बोलेंगे सर ये खाली जगह, अरे भैया समझना, सिर्फ समझा रहा हूं। अब रानी मक्खी ऐसी तो नहीं होती है ना, सिर्फ समझाने के तौर पर समझा रहा हूं। ये मान लो एक शरीर है रानी मक्खी का, है ना, शरीर की कोशिका कैसी है? द्विगुणित। लैंगिक अंग में जो कोशिका थी, मान लेते वो अंडाशय है लैंगिक अंग, उसकी कोशिका कैसी है? द्विगुणित। युग्मक उत्पन्न करने क्या? अंडाणु, मादा है ना, क्या उत्पन्न कर रहे हैं? अंडाणु उत्पन्न कर रहे हैं, कैसे होंगे? अगुणित होंगे। तो क्या करना पड़ेगा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर कई सारे युग्मक पैदा हुए, कई सारे, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ये है रानी मक्खी फर्स्ट, एक रानी मक्खी है जिसको हमने बोला फर्स्ट, कोई दिक्कत? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। चल, ये रानी मक्खी है फर्स्ट, इसने अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मक अंडाणु पैदा कर दिए, कैसे? अगुणित। अब क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, आप जानते हैं लैंगिक जनन क्या होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ संलयन करता है ना, तो युग्मनज बनता है, और ये क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। ठीक है, क्या आपने ऐसी परिस्थिति सुनी है? ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, क्या आपने ऐसी परिस्थिति सुनी है जब बिना नर युग्मक के, क्या बोला मैंने ध्यान से सुनना, बिना नर युग्मक के एक मादा युग्मक एक जीव का निर्माण कर दे? सोचो, क्या बोला मैंने, कोई नर युग्मक नहीं आया, बिना नर युग्मक के, बिना निषेचन के, बिना संलयन के, बिना फर्टिलाइजेशन के एक मादा युग्मक एक नया जीव बना दे, ये परिस्थिति कहलाती है, याद रखना, क्या? अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा था ना पुष्पीय पादपों में, लैंगिक जनन में बताया था। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। इंग्लिश में बोलते हैं, मेरा नाम याद रख लेना, यही है ना मेरा नाम, और मेरे को पिला देना इनो। क्या पिला देना? इनो और जेनेसिस, पार्थिनो जेनेसिस या अनिषेक जनन हिंदी में बोलते हैं। क्या होता है ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, बिना निषेचन के, हमारी बुक्स में क्या लिखा होता है, बिना निषेचन के एक नए जीव का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। लिखूं, लिख देता हूं, बिना निषेचन के एक नए जीव का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। ठीक है, चलें आगे। अब जरा इस लाइन को जरा देखो, क्या लिखा है? बिना निषेचन के। अब निषेचन किसके साथ होता है? एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ निषेचन करता है। हमने बोला नर युग्मक है ही नहीं, मान लो कौन नहीं है, नर युग्मक है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है,
है ना। अब जब नर युग्मक की जरूरत नहीं है, ये मादा युग्मक ये जो कोशिकाएं हैं, ये अंडाणु जो थे, धड़ाधड़ 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 क्या करते। हम यहां पर बात कर रहे थे एक मधुमक्खी के परिवार के सदस्यों की। मैंने आपको बताया कि भैया रानी मक्खी है, काम क्या है, जनन है। चलो जी, हमने देखा रानी मक्खी का शरीर द्विगुणित था, कोशिकाएं कैसी हैं, द्विगुणित है। रानी मक्खी के शरीर में लैंगिक अंग है कौन, अंडाशय, जिसकी कोशिका भी कैसी है, द्विगुणित है। रानी मक्खी को युग्मक उत्पन्न करने हैं, जनन करना है तो युग्मक उत्पन्न करने यानी अंडाणु पैदा करने हैं, तो रानी मक्खी की कोशिकाएं कैसी थी, द्विगुणित थी। अब युग्मक कैसे उत्पन्न करने हैं, अगुणित। तो साहब युग्मक अगर अगुणित उत्पन्न करने हैं तो द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनाने के लिए विभाजन कौन सा करना पड़ा, अर्धसूत्री। चलो जी कर दिया, युग्मक बना दिए, क्या बना दिए, अंडाणु बना दिए, जयराम जी की इतनी सी बात। अब ये युग्मक जो है, ध्यान से देखना, ये जो युग्मक जो थे, ये जो अंडाणु थे, इनको जरूरत ही नहीं है किसकी, शुक्राणु की। इन्होंने क्या किया, सीधा ही धड़ाधड़ धमाई धम फटाई फट क्या कर दिया, विभाजन करती गई ये कोशिका और क्या बना दिया, एक नया जीव बना दिया जिसकी शरीर की कोशिका कैसी है, अगुणित है। बताए क्या यहां पर निषेचन हुआ, नहीं, यानी बिना निषेचन के, इसके बिना निषेचन के क्या एक जीव का निर्माण हो गया, हाँ ये एक जीव का निर्माण हुआ है जो कैसा है, अगुणित है। अब जरा सोचिए ये कौन है, कौन है, कौन है, ये है ड्रोन। तो ये जो हमने बनाया है ये कौन है बेटा जी, ड्रोन है। आया समझ में, तो याद रखना ये जो ड्रोन बना है ये कौन सी प्रक्रिया से बना है, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, याद रखना। ड्रोन कौन बनाती है, रानी मक्खी बनाती है, कौन सी प्रक्रिया से, अनिषेक जनन से, भूल मत जाना, पार्थिनोजेनेसिस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के, बिना नर युग्मक के एक मादा युग्मक नए जीव का निर्माण कर दे, वो क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। क्लियर है, चले आगे। तो बेटा जी हमने बात कर ली रानी मक्खी और ड्रोन कैसे हैं, द्विगुणित है, अगुणित है, चलो जी ठीक है। लेकिन आप पूछेंगे सर यहां पर आपने रानी मक्खी में तो आपने जनन करके दिखाया, हालांकि वो लैंगिक जनन नहीं था, वो अनिषेक जनन था, है ना। अब आपने बोला सर ड्रोन भी तो जनन कर रहे, मैंने बोला हाँ, रुको तसल्ली रखो, आइए देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये मैंने कौन सी रानी मक्खी बोली थी, फर्स्ट बोली थी ना, बोली थी ना फर्स्ट। आइए एक और रानी मक्खी दिखाता हूं, ये है मान लेते हैं रानी मक्खी सेकंड, ये कौन है रानी मक्खी सेकंड। इसके शरीर की कोशिकाएं भी कैसी हैं बच्चे, द्विगुणित हैं, होंगी ना, क्योंकि रानी मक्खी द्विगुणित, इसमें भी लैंगिक अंग होगा, अंडाशय बोल देते हैं, ठीक है, कैसा होएगा, शरीर की कोशिका कैसी है, सारी द्विगुणित है। चलो जी ठीक, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलो अब बेटा इन्होंने क्या बनाए, अंडाणु, क्या बनाए, अंडाणु, कैसे हैं, ये है मादा युग्मक, मादा युग्मक कौन, अंडाणु, सिंपल, यही तो बताया था अभी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये हमारी रानी मक्खी सेकंड थी, और मान लो ये वाला ड्रोन जो है, ये वाला ड्रोन दिख रहा है, लो ये ड्रोन, कोई सा भी ड्रोन ले लो, ड्रोन के शरीर की कोशिका कैसी भैया, अगुणित, उसके अंदर भी लैंगिक अंग है जिसको हम वृषण मान लेते हैं, कौन है बेटा, लैंगिक अंग, वृषण, यहां पर लैंगिक अंग कौन था, अंडाशय, ठीक है। लेकिन अंडाशय की कोशिका कैसी थी, द्विगुणित। ड्रोन की जरा सोचिए, ड्रोन की शरीर की सारी कोशिका अगुणित है, यही तो समझाया था,
ड्रोन जो है अनिषेक जनन से बना, उसके शरीर की सारी कोशिका अगुणित है, जबकि मक्खी की सारी कोशिका कैसी है, द्विगुणित है। अब बेटा इसने तो जनन करना था, इसने क्या बना दिया, मादा युग्मक बना दिया। युग्मक कैसा है, अगुणित, लेकिन जिन कोशिका से बनाया गया वो थी द्विगुणित। कौन सा विभाजन हुआ था, जरा सोचिए जल्दी से, अभी अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा विभाजन, अर्ध सूत्री। कौन सा विभाजन था, अर्ध सूत्री, ठीक है। अब जरा सोचिए यहां पर नर युग्मक बनेगा, ये कोशिका अगुणित और इन्हीं कोशिका से शुक्राणु बनेंगे, कैसे अगुणित, दिमाग लगाएं, सोचे, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं। ये कोशिका थी द्विगुणित, युग्मक कैसा था, अगुणित, गुण सूत्रों की संख्या करनी पड़ी आधी, कौन से विभाजन से, अर्ध सूत्री। आप मुझे बताएं यहां पर ऑलरेडी कोशिका कैसी है, अगुणित, और शुक्राणु जो बनाने हैं, नर युग्मक जो बनाने हैं, वो भी कैसे अगुणित। अब आप मुझे बताएं इन कोशिका से नर युग्मक बनाने के लिए कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री के समसूत्री, इतना सा आंसर, बस सोचना, आंसर मिल भी जाएगा, क्या, समसूत्री। अब थोड़ा सा सोचिए, आप सभी ने ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ा था, और नहीं भी पढ़ा तो थोड़ा सा वर्ड को ही समझ लो, सूत्री वर्ड के से आया गुण सूत्र से, सम का मतलब समान, अर्ध का मतलब आधा। अब जरा सोचिए यहां पर गुण सूत्रों की संख्या कितनी थी, डबल थी, और यहां पर n 2n से कैसी हो गई, n यानी कम हो गई, आधी हो गई, भाई n का डबल क्या होगा, 2n, 2n का आधा क्या होएगा, n, तो अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक आधे कर दिए हैं गुण सूत्रों की संख्या। अब यहां पर गुण सूत्रों की संख्या क्या दिख रही है, समान, तो कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री। ये याद रखना, भूल मत जाना कि ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन समसूत्री विभाजन से क्या उत्पन्न करते हैं, नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, आगे ध्यान से सुनना। अब बेटा ये मादा युग्मक है, मान लो तो एक और बना देता हूं, ये मादा युग्मक, ये नर युग्मक, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में होएगा क्या, संभोग। ये अपने शुक्राणुओं को मादा शरीर में स्थानांतरित करेगा, ये शुक्राणु अंडाणु से क्या करेंगे, संलयन करेंगे, और संलयन करके क्या बनेंगे, जरा सोचिए, द्विगुणित युग मनज बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, द्विगुणित युग मनज बना दिया। बताएं, तो जरा सोचिए क्या नर ड्रोन जनन नहीं कर रहा, शुक्राणु पैदा नहीं कर रहा, मादा रानी मक्खी ने भी जनन किया। अब आप बोलेंगे सर यहां पे तो रानी मक्खी जो है दो तरीके से जनन कर रही है, यहां पर तो रानी मक्खी ने क्या किया है, जरा सोचिए, लैंगिक जनन किया कि नहीं किया, सोचो, क्या यहां पर रानी मक्खी लैंगिक जनन कर रही है, युग्मक उत्पन्न किया और वो नर युग्मक के साथ संलयन करके युग्मनज बना रहा है, यानी इस केस में रानी मक्खी ने लैंगिक जनन किया, किसके साथ, ड्रोन के साथ, लेकिन इस केस में रानी मक्खी ने लैंगिक जनन नहीं किया, उसने अनिषेक जनन किया और क्या बनाया था, ड्रोन बनाया था। तो याद रखना, ड्रोन कौन बनाता है, तो याद रखना ये ड्रोन का निर्माण कौन करता है, भूल मत जाना बेटा जी, कौन करता है, रानी मक्खी ही ड्रोन का निर्माण करती है, कौन सी प्रक्रिया से, अनिषेक जनन से, ठीक है। चलें आगे, अब इधर देखिए ये युग्मनज बन गए, चलें आगे, अब आगे क्या होएगा साहब, इन युग्मनजों का क्या होएगा, आइए, मैंने दो प्रकार के युग्मनज दिखाए, आइए ध्यान से देखना, ये भी युग्मनज और एक ये भी युग्मनज है, ठीक है, दो प्रकार के युग्मनज है, मैंने दो दिखाए हैं आपको, आपने दो देख लिए, यहां पर दो अलग अलग युग्मनज है, एक ये है, ये है। चलो जी,
अब ये युग्मनज आगे क्या करेंगे, विकास करेंगे, करेंगे ना, भ्रूण बनाएंगे। अब वो भ्रूण जो होएगा, ध्यान से सुनना, वो भ्रूण आगे चलकर बनाएगा लार्वा, लार्वा। यहां पर भी युग्मनज से भ्रूण बनेगा और फिर भ्रूण के बाद क्या बनेगा, लार्वा। अब इतना तो आपको देखकर समझ में आ गया होगा, मैंने यहां पर शब्द लिखा है लार्वा। क्या लिखा है, लार्वा, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब क्या होगा भैया, यहां से लार्वा बन गया, इस युग्मनज से भी लार्वा बन गया, इस युग्मनज से भी लार्वा बन गया। चलो जी, अब क्या होगा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज सुनिए। युग्मनज कैसा था, द्विगुणित, यहां पर भी द्विगुणित। लार्वा कैसा है बेटा, ये भी द्विगुणित है, इसके शरीर की भी कोशिका कैसी है, द्विगुणित है। चलो जी, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये द्विगुणित था, इसने विभाजन किया और बहुत सारी कोशिका बनाई, भ्रूण बना, उसने भी बहुत सारी कोशिका बनाई, लार्वा बना। सोचिए कौन सा विभाजन चल रहा होगा, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। सोचिए, द्विगुणित से लार्वा बन रहा है, द्विगुणित युग्मनज से लार्वा बन रहा है, वो भी द्विगुणित, तो कौन सा विभाजन हुआ, हुआ समसूत्री। इट मींस, देखिए इस चैप्टर के साथ साथ आपको 11वीं कक्षा का कोशिका विभाजन वाला चैप्टर भी हल्का फुल्का सा याद आ गया होगा, क्योंकि चैप्टर लिंक है। एक द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिका बन रही है तो विभाजन कौन सा है, समसूत्री। एक अगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बन रही है, विभाजन कौन सा है, समसूत्री, क्योंकि गुण सूत्रों की संख्या क्या है, समान है। इट मींस समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में हो सकता है, अगुणित में भी हो सकता है और द्विगुणित में भी हो सकता है। लेकिन लेकिन जरा सोचिए, यहां पर अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो केवल द्विगुणित कोशिका में होता है, जिससे अगुणित कोशिका बनती है। यानी अगर यहां पर 46 गुण सूत्र थे तो यहां पर कितने हैं, 23। यहां पर 23 थे तो यहां पर भी क्या है, 23 है, है ना। अब जरा सोचिए, क्या 23 गुण सूत्र वाले कोशिका में क्या मैं अर्धसूत्री कराता, और अगर करा देता तो कितने गुण सूत्र होते, 11.5 पॉसिबल है पॉइंट्स में, नहीं। तो याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन केवल किसमें होता है, द्विगुणित कोशिका में होता है, अगुणित में नहीं होता है, ठीक है। द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होएगा, अगुणित कोशिका बनेगी, अगुणित कोशिका में कभी भी अर्धसूत्री नहीं होएगा, हमेशा क्या होएगा, समसूत्री होएगा, ठीक है। तो समसूत्री कौन कौन सी कोशिका में होता है, एक तो अगुणित में भी होता है और द्विगुणित में भी होता है। चलो अब थोड़ा सा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब साहब, ये दो तरीके के लार्वा बन गए, अब क्या होएगा, इनको भोजन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, भोजन। मान लो ये जो लार्वा है, इसको मैंने नंबर दिया नंबर फर्स्ट लार्वा, इसको नंबर दिया नंबर सेकंड लार्वा, ठीक है। पहला जो लार्वा है बेटा जी, इसको हमने खिला दिया क्या, शहद या परागकण, भोजन के रूप में या तो शहद दिया या परागकण दिया, ठीक है। जबकि ये जो दूसरा लार्वा है ना, इसको हमने कुछ विशेष प्रकार का पदार्थ खिलाया। क्या बोला, हमने लार्वा सेकंड को कुछ विशेष प्रकार का पदार्थ खिलाया जिसका नाम है रॉयल जेली। क्या खिला दिया, रॉयल जेली। नाम में क्या आ रहा है, रॉयल और फिर जेली। अब आप बोलेंगे ये क्या है बेटा, ये और इस पदार्थ में थोड़ा सा अंतर होएगा। यहां पर इस जेली में, ये जो रॉयल जेली है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें प्रोटीन्स, इसमें वसा भरपूर मात्रा में आएगी। यानी ये वाला पोषणीय पदार्थ बहुत ही ज्यादा पोषणता से भरा पड़ा है, कौन, रॉयल जेली। यहां पर भी है पोषण, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना इस रॉयल जेली में था, ठीक है। अब आप पूछेंगे, सर ये पोषण देगा कौन, ये खाना खिलाएगा कौन, ये खाना बनाता कौन है, याद करिएगा कौन था, श्रमिक। तो पोषण देने का कार्य इन लार्वा को कौन करेगा, श्रमिक करेगा, ठीक है। चलो जी, दे दिया पोषण, अब क्या होगा, अब ये लार्वा जो है, जिसको ये दिया था सामान्य भोजन, दिया था सामान्य भोजन है, ये लार्वा बदलेगा किसमें, श्रमिक में, याद रखना किसमें बदल जाएगा, श्रमिक में। और वो लार्वा जिसको रॉयल जेली खिलाई जाएगी वो बदलेगा रानी मक्खी में, किसमें बदलेगा, रानी मक्खी में। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, ये भी द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है, हैं दोनों द्विगुणित, रानी मक्खी भी
और श्रमिक भी, क्योंकि ये जिस लार्वा से बनाए जा रहे हैं वो द्विगुणित है। फर्क किस चीज का था? मात्र इतना था कि वे लार्वा जिनको खिलाई जाती है क्या रॉयल जेली, वो बदलती हैं किसमें? रानी मक्खी में। जिनको शहद पराग कण खिलाए जाते हैं वो बनते हैं श्रमिक में। अब जरा सोचिए लैंगिक जनन से क्या बने, ये लैंगिक जनन करने से क्या बनते हैं? लैंगिक जनन करने से श्रमिक बनते हैं और रानी मक्खी बनते हैं, जबकि ड्रोन जो होते हैं वो किससे बनते हैं? अनिषेक जनन से बनते हैं। हम जरा सोचे परिवार में तीन ही सदस्य थे, रानी, ड्रोन और श्रमिक। ड्रोन किससे बने? जरा सोचिए, रानी मक्खी ने अनिषेक जनन किया तो क्या बन गए? ड्रोन, खत्म। जबकि रानी खुद और श्रमिक ये किससे बनते हैं? लैंगिक जनन से बनते हैं। भूल मत जाना, भूलना मत इस चीज को, याद रखना, ठीक है? तो ये था सारा खेल किस चीज का बेटा जी? मधुमक्खियों का। अब आखिरी चीज, जो प्रश्न जो था, जो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में जाते जाते कहा था, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था ड्रोन्स डू नॉट हैव फादर but they have grandfather। याद आ रहा है? ऐसा कुछ प्रश्न मैंने आपसे कहा था, बोला था या नहीं बोला था कि जो ड्रोन्स है उसके पापा नहीं है लेकिन उसके ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर मैंने हिंट दे दिया था, नाना है यहां पर, ठीक है? अब देखिएगा कैसे, देखिएगा ध्यान से सुनना बेटा। मान लो ये एक रानी मक्खी है, ठीक है? इस रानी मक्खी ने संभोग किया किसके साथ? ड्रोन के साथ, ठीक है? अब यानी लैंगिक जनन के अलैंगिक जनन, जरा सोचिए, ड्रोन और रानी मक्खी जब करते हैं आपस में संभोग तो कौन सा जनन? लैंगिक जनन। अब जरा सोचिए इस लैंगिक जनन से क्या बनते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था लैंगिक जनन से क्या बनते हैं। आप बोलेंगे सर श्रमिक और रानी, श्रमिक को साइड में लिख देते हैं, चलो श्रमिक बनते हैं, हाँ बिल्कुल बनते हैं, लेकिन रानी भी तो बन रही है। हाँ जी बिल्कुल, रानी बनती है। सोचिए ड्रोन और रानी मक्खी के लैंगिक जनन से क्या रानी बनी कि नहीं बनी? देखो अभी अभी तो बताया है, देखो रानी और ड्रोन के लैंगिक जनन से युग्मनज बना था और युग्मनज को अगर रॉयल जेली खिला दी तो क्या बन गई? रानी। इट मींस रानी और ड्रोन के लैंगिक जनन से रानी बनती है, हाँ बिल्कुल बनती। और रानी और ड्रोन के लैंगिक जनन से श्रमिक भी बनती, हाँ बिल्कुल बनती। अभी हम श्रमिक की बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं इस केस में, देखिएगा, ठीक है? अब ये रानी जो है, ध्यान से सुनना ये रानी मान लेते हैं ये रानी क्या नहीं कर रही? लैंगिक जनन नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही? लैंगिक जनन नहीं कर रही। नहीं है इसका मन क्या करने का? लैंगिक जनन या अनिषेक जनन करना चाहती है। क्या करना चाहती है? अनिषेक जनन। अब जरा सोचिए अगर ये अनिषेक जनन करेगी यहां पर तो कौन सा जनन? लैंगिक। और यहां पर कौन सा? अनिषेक। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, ये रानी मक्खी जब अनिषेक जनन करेगी तो क्या बनेंगे? ड्रोन बनेंगे। अब थोड़ा सा सोचिए, ये ड्रोन की मम्मी है ना, ये ड्रोन किससे पैदा हुआ है? रानी से। तो ड्रोन की मम्मी कौन है? रानी। लेकिन यहां पर कोई फादर थे क्या? ड्रोन सिर्फ मम्मी से पैदा हुए ना, पापा तो है ही नहीं यहां पर। यानी इस ड्रोन के सभी ड्रोन्स के फादर नहीं होते। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, ड्रोन सीधा किससे बनाए गए? रानी से, पिता की जरूरत थी नहीं। बोला था ना ड्रोन किससे बनते हैं? अनिषेक जनन से, जिसमें शुक्राणु की जरूरत ही नहीं है, निषेचन की जरूरत ही नहीं है, यानी नर की जरूरत ही नहीं है। मादा से सीधा क्या बन गए हैं? ड्रोन बन गए। रानी से ड्रोन बन गए। लेकिन जरा सोचिए ये रानी किससे बनी थी? ये रानी किससे बनी थी? ये लैंगिक जनन से बनी थी। और लैंगिक जनन अगर होएगा तो किसके बीच में होगा? रानी और ड्रोन के बीच में होगा। यानी इस ड्रोन की मम्मी तो है, पापा नहीं है। लेकिन ये मम्मी कैसे बनाई गई थी? ये मम्मी बनाई गई थी लैंगिक जनन से, रानी और ड्रोन के बीच में। तो इस ड्रोन के पापा तो नहीं है लेकिन इसके नाना तो है या नहीं है? ये रानी इन दोनों से बनी थी ना, ये ड्रोन इसके, इस ड्रोन के क्या है?
नाना है कि नहीं है। तो ड्रोन्स डू नॉट हैव फादर, ड्रोन के पिता नहीं होते लेकिन उनके ग्रैंडफादर होते हैं, यानी नाना जी होते हैं। ये था कंसेप्ट। आई होप ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी, किसकी, मधुमक्खियों की। इसको एक बार और रिवाइज करिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ, कौन सा, मधुमक्खियों में लैंगिक जनन। अब दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको बोला था स्टार्ट करेंगे वो है ये, और यहां पर नाम है उत्परिवर्तन, लेकिन यहां पर कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दे रहा है, डीएनए है, दिख रहा है, इस डीएनए में कुछ गड़बड़ी आ गई है। आपने देखा होगा ना सीआईडी, उसमें एसीपी प्रद्युमन होता है, कुछ तो गड़बड़ी है। बस भैया कुछ गड़बड़ी आ गई है यहां पर इस डीएनए में, कुछ गड़बड़ी आने के कारण कुछ भयंकर होने वाला है, और वही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। यानी अगर आपसे कोई पूछे उत्परिवर्तन क्या है तो आप सीधा बोलेंगे अचानक से आए हुए परिवर्तन। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, अचानक से आए परिवर्तन। अब आप बोलेंगे कैसे सर, बता रहा हूं ध्यान से सुनना, अचानक से आए परिवर्तन का मतलब क्या, ध्यान से सुनना। मान लो हम मनुष्य जाति, आपको रोज मनुष्य दिखते हैं, हाँ जी बिल्कुल दिखते हैं। अब सोचो मान लो एक दिन आपको ऐसा मनुष्य दिख जाए, ध्यान से सुनना, आपको एक ऐसा मनुष्य दिख जाए जिसमें सींग निकल आए। सोचो सोचो सोचो, मैंने क्या बोला, आपको कोई ऐसा मनुष्य दिख जाए जिसमें सींग निकल आए, क्या आपको परिवर्तन दिखेगा? आप बोलेंगे हाँ दिखेगा। अचानक से आएगा कि नहीं आएगा, जरा सोचिए, क्या आपको सभी मनुष्य में दिखता है ऐसा परिवर्तन? नहीं, लेकिन अचानक से एक परिवर्तन आ गया, कैसा, जो हम नहीं देख पाते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देता, ऐसा अचानक से परिवर्तन आ जाए, इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। आप सभी ने कई सारी मूवीज देखी होगी, आपने क्रिश मूवी देखी होगी, देखिए ना, याद करिए, क्रिश मूवी थी ऋतिक रोशन की, उस क्रिश मूवी में आपको याद आ रहा है, कुछ अलग अलग से प्राणी दिखाई दिए थे, जीव इतनी बाहर निकल गई थी और उड़ रहे थे, और ठीक है, यानी कहने वाली बात थी, उनको हम बोलते हैं म्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं, म्यूटेंट्स। आप बोलेंगे वास्तव में होते हैं, नहीं ऐसा मनुष्य में तो नहीं होता है, लेकिन हाँ और जातियों में होता है। ठीक है, इस तरीके के म्यूटेशन अभी मनुष्यों में नहीं आए कि जीव इतनी दूर तक निकल गई है, उड़ने लग गए हैं, गायब होने लग गए, नहीं, ऐसा म्यूटेशन सिर्फ मूवीज में दिखाया जाता है, हकीकत में ऐसा म्यूटेशन अभी मनुष्यों में नहीं आया। लेकिन क्या म्यूटेशन मनुष्यों में आते हैं? हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं म्यूटेशन। अब आप बोलेंगे कौन से होते हैं, वो समय आएगा मैं आपको बताऊंगा, रोग बताऊंगा, ऐसे रोग जो म्यूटेशन से होते हैं, ऐसे रोग जो उत्परिवर्तन से होते हैं। उत्परिवर्तन का सिंपल सा मीनिंग था अचानक से आए हुए परिवर्तन। अब दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना बेटा, ये उत्परिवर्तन की खोज किसने करी, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया, ध्यान से सुनना, उत्परिवर्तन शब्द जो है ये जिस वैज्ञानिक ने दिया उसको आप जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, याद करिए मेंडल के कार्य को तीन वैज्ञानिकों ने पुनः खोजा था, उसमें से कोई वैज्ञानिक ये था, याद आ रहा है, ह्यूगो डी व्रीज, याद आ रहा है, इस वैज्ञानिक ने म्यूटेशन शब्द दिया था, शब्द दिया था। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से सुनना, उत्परिवर्तन शब्द इन्होंने दिया, लेकिन उत्परिवर्तन को, ध्यान से सुनना, उत्परिवर्तन को डिटेल में एक्सप्लेन किसने किया, उत्परिवर्तन को मैं बोलूंगा किसने बड़े स्तर पर बताया, उत्परिवर्तन को बड़े स्तर पर समझाया था, किसने, ये वैज्ञानिक भी आप जानते हैं, और इस वैज्ञानिक का नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, टी एच मॉर्गन, और इन्होंने कार्य किया था किस पर, याद करिए, ड्रोसोफिला पर। तो मैंने अभी तक आपको सिंपल से तीन बिंदु बताए कि भैया उत्परिवर्तन का मतलब क्या है, भैया अचानक से आए हुए परिवर्तन, अचानक से परिवर्तन जो हम देख सकते हैं,
सामने वाले जीव में वो अचानक से आए हुए परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। साहब किसने शब्द दिया, ह्यूगो डी व्रीज ने। किसने समझाया बड़े स्तर पर, टीएच मॉर्गन ने। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब समय हुआ है किस चीज का, ओएमआर यानी वन मिनट रिवीजन। बच्चों आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, क्या, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, पहले मधुमक्खियों की जातियां बताई, फिर मधुमक्खी के एक छत्ते में उनका परिवार बताया, परिवार के तीन सदस्य बताए, रानी मक्खी, ड्रोन और श्रमिक। रानी द्विगुणित, श्रमिक अगुणित और ड्रोन रानी द्विगुणित, ड्रोन अगुणित और श्रमिक द्विगुणित। कौन कैसे बना था, लैंगिक जनन से रानी मक्खी बनती है और श्रमिक बनती है, जबकि ड्रोन अनिषेक जनन से बनता है, और अनिषेक जनन कौन करता है, रानी ही करती है। तो ये जो पूरा मधुमक्खी का ये जो पूरा डिस्क्राइब किया है ना, आपको हो सकता है हल्का सा कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन उसको ध्यान से तसल्ली से एक एक करके चीज पढ़ेंगे, सारी चीज समझ में आ जाएंगी। उत्परिवर्तन बस स्टार्ट किया है, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। मधुमक्खी परिवार में कौन अनिषेक जनन से बनते हैं, कौन है जो मधुमक्खी के परिवार में अनिषेक जनन से बनते हैं, श्रमिक, ड्रोन, रानी, कोई नहीं। अनिषेक जनन से कौन बनता है, अनिषेक जनन से, चलिए दूसरा प्रश्न बेटा, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज, डार्विन, मेंडल, बेटसन, किसने दिया था शब्द म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था, मधुमक्खी के परिवार में कौन है जो अनिषेक जनन करता है, सॉरी अनिषेक जनन से बनता है, करता नहीं है, करता कौन है, रानी मक्खी अनिषेक जनन करती है, लेकिन बनता कौन है, यहां पर था प्रश्न, बनता कौन था। ठीक है, कौन अनिषेक जनन से बनते हैं, तो सीधा सीधा ड्रोन जो है वो अनिषेक जनन से बनते हैं। अब अगर इसी प्रश्न में मैं बोल देता मधुमक्खी परिवार में कौन अनिषेक जनन करता है, तो आंसर क्या आता, रानी, लेकिन यहां पर है कौन बनता है, तो आंसर आएगा ड्रोन। ठीक है, तो यहां पर आंसर है सेकंड, ड्रोन सेकंड। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया, बहुत सिंपल, अभी मैंने आपको बताया था, ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन शब्द दिया, लेकिन बड़े स्तर पर समझाया किसने था, आपके टीएच मॉर्गन ने। ठीक है, होमवर्क आपको बेटा जी होमवर्क सेक्शन में मिलेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक, मैं देखो इस चैप्टर में ना एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उत्परिवर्तन को डिटेल में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड की दृष्टि से भी और नीट की दृष्टि से भी। ठीक है, मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, ओके देन।